Hello students, welcome again on LV classes. Today in the present class we will discuss the most important articles of your question paper and that is on the part of section B. ठीक है, 10 नंबर कंटेन करता है आर्टिकल. ठीक है, जितना आप नरेशन सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ग्रामर पढ़ेंगे उतने से ही आपको आर्टिकल आ जाएगा. तो आर्टिकल क्या होता है पहले इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं. और इस सेशन में जो मैंने चार आर्टिकल बताए हैं आपको, मेरी ये उम्मीद है कि इनमें से आपको एक आर्टिकल आ ही जाए. ओके, और उसके साथ साथ मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कि हम आर्टिकल कैसे लिखें. देखिए आर्टिकल और ऐसे इसमें बड़ा कन्फ्यूजन आपको हो रहा होगा कि कुछ जगह पे कुछ बुक्स में लिखा होगा आर्टिकल ऐसे, किसी में ऐसे, कोई ऐसे बता रहा होगा, कोई वैसे बता रहा होगा. बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि ये सब नया हुआ है. अभी तक इंटरमीडिएट में आर्टिकल लिखने को नहीं आता था, जब से CBSE पैटर्न आया है तब से जो है आर्टिकल का काम शुरू हुआ है. इसके पहले ऐसे लिखे जाते थे. तो ऐसे और आर्टिकल में बहुत माइन्यूट अंतर है, वह मैं आपको बताऊंगा. देखिए आर्टिकल क्या है कि आर्टिकल ऐसे की अपेक्षा थोड़ा सा संक्षिप्त होता है. आर्टिकल में मेन चीजें होती हैं कि तीन, वो है उसका टाइटल, इंट्रोडक्शन और मैटर. ठीक है, तो आर्टिकल हम इस हिसाब से लिखते हैं कि जो पाठक है, जो आपका आर्टिकल पढ़ने वाला हो, वो एक बार अगर उसको स्टार्ट कर दे तो इतना अच्छा लिखा होना चाहिए कि एक बार अगर वो स्टार्ट कर दे तो जब तक समाप्त ना हो जाए तब तक उसको पढ़ता रहे. और इसका जो लास्ट का एंड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए, बहुत ही अच्छे शब्दों में लिखा जाना चाहिए ताकि पाठक पर हम अपना प्रभाव भी डालें. जो पढ़ रहा हो, जो हम जिस कंटेंट पे लिखना चाह रहे हैं वो उससे अफेक्टेड हो, उससे प्रभावित हो सके. जैसे कि मान लो हमको क्लीननेस पे लिखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीननेस पे लिखना है, तो हम इस उस आर्टिकल को इस तरह से लिखें कि जो भी हमारा आर्टिकल पढ़े वो अफेक्टेड हो जाए और अपने जीवन में क्लीननेस को स्टार्ट कर दे. ओके, लेट अस स्टार्ट. चलिए हम भी शुरू करते हैं. इस क्रम में पहले आप जान लीजिए कि कौन कौन से आर्टिकल हैं जो इस बार बोर्ड परीक्षा के हिसाब से इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो इसमें जिस क्रम में लिखा है उस क्रम में नहीं, मैं आपको इम्पॉर्टेंट के क्रम में बताऊंगा. तो मेरे हिसाब से इस बार बोर्ड परीक्षा में जो सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल लग रहा है वो ये है, स्वच्छ भारत अभियान. और सेकेंड पे ये है, रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग. ओके, एंड थर्ड इज रोड सेफ्टी, एंड द फोर्थ इज द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. ओके, तो इन्हीं को आपको पढ़ना है. दो तीन बार, चार बार आप पढ़ेंगे तो आपको ये तैयार हो जाएगा और पता चल जाएगा कि कैसे आपको लिखना है. एक मैं स्पेसिमेन के तौर पर आपको एक डिस्कस कर दूंगा ताकि आपको आसानी हो जाए कि कैसे हम आर्टिकल लिखते हैं और क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, क्या क्या नहीं यूज़ करते हैं. क्योंकि बहुत सारे लोग बता रहे हैं उसमें हेडिंग पड़ती है, ये पड़ती है, वो पड़ती है. तो हेडिंग वगैरह आर्टिकल में नहीं पड़ती है, हेडिंग वगैरह ऐसे में पड़ती है. ठीक है, इसमें हम हेडिंग को एज्यूम करते हैं, मानते हैं कि हाँ यहाँ से हम पैराग्राफ चेंज करें, लेकिन हेडिंग डालकर नहीं लिखते हैं. उपयुक्त तरीका यही है. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है 2022 के लिए, मैं इसी पे डिस्कस कर देता हूँ. चलिए आपको क्वेश्चन पहले देखना है. तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें आर्टिकल है मैं उस पे डिस्कस करता हूँ. कैसे आएगा क्वेश्चन, देखिए आंसर देने से पहले सबसे आवश्यक है कि आप क्वेश्चन को समझिए. जब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तब तक आप आंसर नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो तीन आर्टिकल आएंगे आपके, तीन में से आपको एक आर्टिकल करना होगा. और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो चार आर्टिकल मैंने बताए इन्हीं में से एक आपके परीक्षा में आ जाए. तो देखिए क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड महात्मा गांधी नेवर कंप्रोमाइज क्लीननेस. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी कभी स्वच्छता से समझौता नहीं करते थे. ही गेव अस फ्रीडम, उन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई. वी शुड गिव हिम अ क्लीन इंडिया, और हम उन्हें इसके बदले में स्वच्छ भारत देंगे, मतलब गिफ्ट करेंगे. देंगे क्या मतलब. ठीक है, राइट एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक स्वच्छ भारत अभियान. यू आर शैले ऑब्लिक शैलजा. ओके,
तो देखिए यहाँ पर आपका नाम भी दिया होगा, वहां पर आ सकता है, तो ये आप पूरा पढ़ लीजिए। तो अब आपको क्या करना है, राइट एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक। किस टॉपिक पे लिखना है? स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, तो इस पे लिखना है। और आपका नाम भी दिया है, यू आर शैलेश आर शैलजा, शैलेश या शैलजा, तो यहां पर कुछ भी नाम दिया जा सकता है। आपको वही नाम लिखना है जो बॉयज है वो, जो नाम मेल का होगा वो लिखेंगे, और जो गर्ल्स हैं उनको ये लिखना है, ठीक है, बाई करके। टॉपिक मेन आप इसको, इतनी बड़ी कहानी नहीं देखना है, टॉपिक जो है उसको देखिए, ये है टॉपिक स्वच्छ भारत अभियान। तो सबसे पहले आपको क्या डालना है, ये टॉपिक डालना है स्वच्छ भारत अभियान। इसमें भी आपको कहीं ढूंढने नहीं जाना, वहीं लिखा होगा। फिर उसके बाद बाई के बाद जो नाम यहां दिया हो, ये देखो लिखा स्वच्छ भारत अभियान बाई शैलेश। अगर आप लड़की हैं तो जो नाम दिया होगा, मान लो शैलजा दिया है, रीना दिया है, कुछ भी दिया है, आपको वही नाम लिखना है, अपना नाम नहीं लिखना है कृपा करके, ठीक है। इट इज हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट यू मस्ट नॉट राइट योर नेम ऑन द आंसर शीट, कहीं नहीं लिखना है। तो जो नाम दिया होगा, मान लो उसमें दिया है, आपको आर्टिकल देगा कि कौन किस आर्टिकल पे लिखना है, तो आर्टिकल आपका स्वच्छ भारत अभियान, पहले आप आर्टिकल डाल देंगे, देन उसके बाद बाई, और जो नाम दिया होगा, लड़के हैं तो लड़के, लड़कियां हैं तो वो अपना नाम वहां से ऑब्लिक में लिखा होगा, आप अपने हिसाब से उसको कर लीजिए, ठीक है। फिर हम इसके बॉडी पर चलते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपको टॉपिक, जो भी टॉपिक दिया होगा उसका नाम लिख देना है, फिर बाई और जो नाम उसमें मेंशन हो क्वेश्चन में, वही नाम आपको लिखना है, ओके। अब कैसे लिखते हैं, अब देखिए स्टार्टिंग थोड़ी इसमें स्टार्टिंग पे फोकस करना है, ताकि जो रीडर्स को स्टार्ट करे पढ़ना, ठीक है, वो लगातार इस तरह से इतना अच्छा हो कि वो लगातार पढ़ता चला जाए, और इंड भी अच्छा होना चाहिए, दो चीजें इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, जैसे कहा जाता है द क्लीन इंडिया मिशन वॉज वेल नोन टू ऑल एज स्वच्छ भारत अभियान। देखिए, क्लीन इंडिया मिशन को स्वच्छ भारत अभियान के नाम से जाना जाता है। This campaign is run by the government of India to make India a clean India. देखिए, ये जो अभियान है, कैंपेन का मतलब अभियान, ये अभियान भारत सरकार के द्वारा भारत को स्वच्छ बनाने के लिए चलाया जाता है। This campaign was launched by श्री नरेंद्र मोदी। ये कैंपेन श्री, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट किया था, शुरू किया। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन 2nd अक्टूबर 2014, मतलब ये जो कैंपेन था, ये अभियान, हमारे देश के प्रधानमंत्री, मतलब श्री नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इसे 2 अक्टूबर 2014 में स्टार्ट किया था। दिस कैंपेन वॉज लॉन्च्ड ऑन 145th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, हु ऑलवेज इंस्पायर्ड पीपल फॉर क्लीननेस। देखिए, ये जो अभियान है, वॉज लॉन्च्ड ऑन 145th बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। ये जो अभियान है वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 145वें जन्मदिन पर लॉन्च किया गया था। Who always inspired people for cleanliness? जो लोगों को हमेशा स्वच्छता के लिए प्रेरित करते रहते थे, ओके? On his 150th birthday, the government aims to dedicate a clean India to Gandhi ji by successful completion of this mission. ठीक है, तो कह रहा है कि On his 150th birthday, the government aims to dedicate a clean India to Gandhi ji by the successful completion of this mission. तो ये जो हमें क्या करना है कि गांधी जी के 145वें बर्थडे पे शुरू हुआ था, और 150वें, मतलब 5 साल के अंदर इस मिशन को अच्छे से कंप्लीट करके, इसके लक्ष्यों को पूर्ण करके हमें गांधी जी को समर्पित करना है, इसका उद्देश्य। नेक्स्ट,
When the mission was launched, जब मिशन आरंभ हुआ था, our Prime Minister श्री नरेंद्र मोदी himself take the broom and clean the roads. जब ये मिशन स्टार्ट हुआ था तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी खुद झाड़ू लेकर उन्होंने रोड को साफ किया था. It was the biggest cleanliness drive ever made in India. When more than 3 million people from different sections of the society participated in cleaning to the roads at a time. कह रहा है कि ये भारत का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान था. इस स्वच्छता अभियान में लगभग 3 मिलियन से ज्यादा लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में, ठीक है, समाज के अलग अलग क्षेत्रों में रोड की सफाई का कार्य किया था. गवर्नमेंट एम्प्लॉयज स्टूडेंट्स एंड सेलिब्रिटीज टू पार्ट इन क्लीननेस एक्टिविटीज. कह रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सरकारी कर्मचारी विद्यार्थी, ठीक है, सरकारी कर्मचारियों ने, विद्यार्थियों ने और यहां तक कि सेलिब्रिटीज मतलब फेमस पर्सन, ठीक है, लोगों ने भी इस स्वच्छता अभियान में, इस स्वच्छता के कार्यक्रम में भाग लिया. ऑन दिस ओकेजन द प्राइम मिनिस्टर हैज नॉमिनेट 9 सेलिब्रिटीज टू प्रमोट द मिशन एंड इंस्पायर द पीपल फॉर क्लीननेस बाई पार्टिसिपेटिंग इन द क्लीननेस ड्राइव इन देयर ओन एरिया. कह रहा इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 9 सेलिब्रिटीज को इसके प्रमोशन के लिए, इसको इसकी वृद्धि के लिए, इसको और आगे ले जाने के लिए नियुक्त किया था और ताकि वे लोग लोगों को स्वच्छता में भाग लेकर उसको और आगे बढ़ाकर अपने एरिया में स्वच्छता का कार्य आगे बढ़ा सके, कर सकें. ओके, कह रहा द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लीन इंडिया मिशन वाज टू सेलिब्रेट ओपन डिफेक्शन मेनली इन द रूरल एरिया एंड कंस्ट्रक्ट इंडिविजुअल सैनिटरी लैट्रिन्स कन्वर्टिंग ड्राई इन सैनिटरीज टॉयलेट्स इंटू फ्लश टॉयलेट्स रिमूवल ऑफ द हैबिट ऑफ थ्रोइंग वेस्ट एंड स्पिटिंग हियर एंड देयर प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड इनहेंसिंग अवेयरनेस अबाउट सैनिटेशन. ठीक है, तो कह रहा है कि इसका मेन उद्देश्य क्या था कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लीन इंडिया मिशन, क्लीन स्वच्छ भारत अभियान का मेन उद्देश्य टू इरेडिकेट का मतलब मना करना, रोकना, क्या है, ओपन डिफेक्शन खुले में शौच मेनली इन द रूरल एरिया जो कि ज्यादातर रूरल एरिया में ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जाती है एंड कंस्ट्रक्ट इंडिविजुअल सैनिटरी लैट्रिन और जो व्यक्तिगत लैट्रिन हैं उनकी सफाई पर ध्यान दिया जाए. ठीक है, कन्वर्टिंग ड्राई सैनिटरी टॉयलेट्स इंटू फ्लश टॉयलेट्स मतलब सूखे टॉयलेट्स के बजाय फ्लश वाले टॉयलेट का उपयोग ज्यादा किया जाए. रिमूवल ऑफ द हैबिट ऑफ थ्रोइंग वेस्ट जो हम लोग कूड़े करकट को इधर उधर फेंकते हैं उसको भी दूर करना एंड स्पिटिंग हियर एंड देयर और जो यहाँ पर इधर उधर पान पुड़िया खाकर लोग थूकते हैं उस पर भी उसको भी रिमूव करने का प्रयास किया गया इस मिशन के माध्यम से. प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड इनहेंसिंग अवेयरनेस अबाउट सैनिटेशन. तो कह रहा है कि जो हमारा डिस्पोजल है, जो कूड़ा करकट है, जो वेस्ट चीज़ें हैं उनको प्रॉपर कैसे हम डिस्पोज करें, डस्टबिन में डालें या जहाँ पर डस्टबिन नहीं है वहाँ पर हम एक जगह पर इकट्ठा करके उनको इधर उधर न फेंके, एक जगह पर इकट्ठा करें ताकि उसको एक उचित, ठीक है, दिशा दी जा सके. द गवर्नमेंट इज ग्रांटिंग फाइनेंशियल हेल्प टू मेक टॉयलेट इन द रूरल एरिया. ग्रामीण क्षेत्रों में टॉयलेट निर्माण में सरकार जो है आर्थिक मदद भी दे रही है, इस समय चल रहा है. द सक्सेस ऑफ दिस मिशन विल ब्रिंग अ क्लीन एंड हेल्दी एनवायरमेंट एंड स्ट्रॉन्ग, चलिए इतना बताते हैं पहले. तो द सक्सेस ऑफ दिस मिशन, इस मिशन की जो सफलता है, विल ब्रिंग अ क्लीन एंड हेल्दी एनवायरमेंट, ये हमारे वातावरण को स्वच्छ और हेल्दी बनाएगी एंड स्ट्रॉन्ग सैनिटरी सिस्टम, और जो स्ट्रॉन्ग सैनिटरी सिस्टम है इन द रूरल एरिया एज
वेल एज द अर्बन, और रूरल के साथ साथ, ग्रामीण के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में जो सैनिटरी, जो साफ सफाई, स्वच्छता का जो तंत्र है और भी मजबूत होगा। गवर्नमेंट हैज अपील्ड एवरी सिटीजन टू डिवोट दिस 100 hours एवरी ईयर टू मेक दिस मिशन सक्सेसफुल। सरकार ने प्रत्येक नागरिक से ये अपील की है कि इस मिशन को सफल बनाने के लिए हर साल लगभग 100 घंटे उसको स्वच्छता पर देने होंगे। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट, ये जो एंडिंग है ये भी बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। आर्टिकल में यही ओपनिंग और एंडिंग बहुत जबरदस्त होनी चाहिए, तभी आप इसका इफेक्ट बना पाएंगे और तभी एग्जामिनर से आप 10 में से 9 नंबर ला पाने में समर्थ हो पाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं। द लोगो ऑफ द मिशन इज द स्पेक्टिकल्स ऑफ गांधी जी विद सच ऑन इट्स वन लेंस एंड एज इन भारत ऑन द अदर। कह रहा है कि इस, देखा होगा आपने नोट वगैरह बना होता है, ये एक में क्या लिखा होता है स्वच्छ और एक में क्या लिखा होता है भारत, देखा होगा नोट में लिखा होता है, तो ये चश्मा है। तो कह रहा है द लोगो ऑफ दिस मिशन इज द स्पेक्टिकल ऑफ गांधी जी विद स्वच्छ ऑन इट्स वन लेंस। इसमें क्या है, गांधी जी के चश्मे में एक लेंस पे स्वच्छ लिखा है एंड एज भारत ऑन द अदर, और दूसरे लेंस पे भारत लिखा हो। चाहे तो आप इसको बना भी सकते हैं, लेकिन वहां पर कोई कलाकारी करने की जरूरत नहीं है, लोगो चाहे तो बना भी सकते हैं। द स्लोगन ऑफ मिशन इज एक कदम स्वच्छता की ओर, और इसका स्लोगन क्या है, एक कदम स्वच्छता की ओर। इसको आपको डुअल इनोटेड कॉमा में जैसे लिखा वैसे आपको लिख देना है, और या फिर आप इसको और हाईलाइट काले पेन से लिख सकते हैं। ये सब चीजें आपको अधिक मार्क्स दिलाएंगे, इसमें हेडिंग नहीं पड़ती, ठीक है। तो इसका लोगो क्या है, एक कदम स्वच्छता की ओर। क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, जो स्वच्छता है वो ईश्वरत्व है, ईश्वरत्व का दूसरा नाम है। यो कह लो कि जो स्वच्छता है, जो सफाई है, वो ईश्वरत्व का दूसरा नाम है। दिस फेमस प्रोवर्ब इंडिकेट्स वेल इन द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीननेस इन अवर लाइफ्स। ये जो प्रोवर्ब है, ये जो कहावत है, ये हमारे जीवन में स्वच्छता के महत्व को दर्शाती है। द क्लीन इंडिया मिशन इज अ क्लीननेस ड्राइव इन ऑर्डर टू क्लीन द स्ट्रीट्स। कह रहा है द क्लीन इंडिया मिशन इज क्लीननेस ड्राइव टू ऑर्डर टू क्लीन द स्ट्रीट्स। जो स्वच्छ भारत अभियान है, इसका मेन उद्देश्य गलियों की सफाई करना, रोड की सफाई करना एंड पब्लिक प्लेसेस, और जो पब्लिक प्लेस है उनको, एज वेल एज अवर हाउसेस, और हमें इसके साथ साथ हमें अपने घरों को साफ करने की प्रेरणा देती है। वी शुड क्रिएट अ गुड हैबिट ऑफ क्लीननेस एंड इंस्पायर अदर्स टू मेक अवर इंडिया अ क्लीन इंडिया। कह रहा है वी शुड क्रिएट अ गुड हैबिट ऑफ क्लीननेस, हमें स्वच्छता की एक अच्छी आदत डालनी चाहिए, एंड इंस्पायर अदर्स, और दूसरे को भी प्रेरित करना चाहिए टू मेक अवर इंडिया अ क्लीन इंडिया, कि ये हमारा जो देश है वो एक स्वच्छ भारत बन सके। ओके, तो ये आर्टिकल का आपको लिखने का तरीका है, और इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इसका इंट्रोडक्शन और इसकी एंडिंग। ये तरीके हैं प्रॉपर, जिसके आधार पर जहाँ से आपको चेंज करना है वो आप वहाँ पर पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं, बाकी इसमें हेडिंग नहीं पड़ेगी। ये एक स्पेसिमेन है, और ये स्पेसिमेन ही नहीं सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो आपके पेपर में आ सकता है। ओके, इसके अलावा ये देखिए, पहला है स्वच्छ भारत अभियान, मैंने बता दिया। इसके अलावा रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग, तीसरा रोड सेफ्टी, और चौथा ये, ठीक है। सब में आपको ऐसे ही लिखना है, बस जैसे क्वेश्चन पूछेगा, अगर जो भी नाम देगा आपको भाई लिख के वो नाम लिखना है, जो मैंने आपको तरीका बताया है वैसे आपको करना है। और मेरी ये गारंटी तो नहीं, लेकिन विश्वास के साथ मैं कहता हूँ कि इन्हीं में से एक आर्टिकल आपको पेपर में 110% मिलेगा। ओके, तो लर्न इट एंड एंजॉय।